हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पेट में अल्सर, अपेंडिसाइटिस, पेट में सूजन, उल्टी, बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा एसिडिटी, जिनके कारण होने वाली अनेकों व्याधियाँ, इसके ऊपर आपको बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन बताएंगे। बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, पेट में गैस्ट्रिक अल्सर हो या अन्य कोई भी दिक्कत हो, उसको ये बहुत जल्दी कवर करती है, बहुत जल्दी ठीक करती है। पेट के नए और पुराने सूजन हो, जलन हो, अपेंडिस में सूजन हो, पेट की उत्तेजित स्थितियां जिसमें पेशेंट को मितली, वोमिटिंग, उल्टी यानी ऐंठन होने लगती है, उसके लिए पेट में सूजन होना, जलन होना, उसके लिए अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस अथवा बिना अल्सर के ग्रहणी या ड्यूडिनम जिसे कहते हैं, उससे संबंधित कोई भी शिकायतें हों, उसमें रामबाण जिसे कह देते हैं, रामबाण वाला काम ये मेडिसिन करती है। जलन, ऐंठन के साथ दर्द, अफारा, मलमूत्र विसर्जन संबंधित कठिनाइयों में बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है ये। इसमें मैं आपको क्या क्या मेडिसिन ऐड है वो आपको बताता हूँ। ये जर्मनी मेडिसिन है, इसका मैं आपको अभी जो है एक एक पॉइंट बताऊँगा, किस किस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से ये मेडिसिन तैयार की गई है। ये मेडिसिन है एडल कंपनी की 16 यानी 16 नंबर। इसमें क्या क्या मेडिसिन ऐड की गई है, उसका क्या क्या वर्क है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इसमें सबसे फ्रेंड्स सबसे पहली मेडिसिन जो है, इसमें बेलिस पेरेनिस है। बेलिस पेरेनिस ये अपेंडिस में सर्दी के कारण होने वाली सूजन, पेट की तकलीफें, यकृत और पित्ताशय से संबंधित यानी गाल ब्लैडर से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, उस पर इसकी बहुत अच्छी क्रिया देखी जाती है। फ्रेंड्स इसी क्रम में दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया यह दवाई श्लेष्मिक झिल्लियाँ जो होती है यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, उस पर बहुत बेस्ट वर्क करती है ब्रायोनिया मेडिसिन। इसमें होने वाली खुश्की व सूजन के विरुद्ध बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। जिनके पेट में या जिनके पूरे शरीर में खुश्की जैसी महसूस होती हो, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ऐसे पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो, उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन इसके अंदर ब्रायोनिया है। यह पेट में पेट व अपेंडिक्स की सर्दी तथा यकृत की पीड़ा भी दूर करती है। इसके अलावा यह सिर दर्द और जोड़ों में तेज चुभन वाला जो दर्द होता है, उसमें भी राहत देती है। इतनी अच्छी मेडिसिन है ब्रायोनिया। इसमें अगली मेडिसिन जो इसमें ऐड है वो है कार्बोवेज। ये मेडिसिन पेट और आंतों के रोगियों की कमजोरी के लिए, पेट और आंते चाहे छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, उससे संबंधित कोई भी दिक्कत हो या आपके लीवर से संबंधित कोई दिक्कत हो, यकृत में सूजन हो, उसकी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसके मरीज को यदि हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं और पेट में दर्द रहता है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती और दिन प्रतिदिन व्यक्ति कमज़ोर होता चला जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे पेशेंट के लिए कार्बोवेज बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। पेट और आंतों के रोगियों की कमजोरी के लिए तो बहुत ही अच्छी दवाई है। शरीर की प्रक्रियाओं को उत्तेजित करती है, साथ ही त्वचा की बीमारियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी मेडिसिन है कार्बोवेज। फ्रेंड्स इसी क्रम में अगली मेडिसिन इसमें कोल्चिकम है। कोल्चिकम के पेशेंट की स्थिति पेट की ये होती है कि इसको भूख बिल्कुल नहीं लगती, इसको हर समय उल्टी जैसा मन रहता है। ये यदि घर में है और घर के अंदर ही किचन है और किचन में खाना बन रहा है, तो खाने की स्मेल मात्र से ही इसका दिल मिचलाने लगता है,
वोमिटिंग जैसा इसका मन हो जाता है, उसके लिए कोल्चिकम बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। यूरिक एसिड जिनको बढ़ जाता है, पैर के अंगूठे में से दर्द जो शुरू होता है यूरिक एसिड के पेशेंट को और गठिया बाई की शिकायत होती, उसके लिए भी कोल्चिकम बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। पेट में सूजन, जलन तथा आंतों की सूजन व दर्द के कारण पैदा होने वाली कमजोरी को यह दवाई बहुत जल्दी दूर करती है। यह एसिड की अधिकता को नियंत्रित करती है और साथ ही गठिया और आमवाद के कारण होने वाली बीमारियों या मांसपेशियों तथा जोड़ों में होने वाले दर्द को भी बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर करती है और उनको ठीक करती है। इसी क्रम में है नेक्स्ट मेडिसिन हाइड्रेस्टिस। फ्रेंड्स, ये वैसे तो होम्योपैथिक में कैंसर की दवाई इसको के नाम से इसको जाना जाता है। यह दवाई शरीर की शक्ति को बढ़ाती है, बहुत ही पावरफुल दवाई है। किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता हो या हमारी आंतों में, पेट में कहीं पर भी अल्सर हो जाते हैं जो जख्म बहुत गहरे हो जाते हैं, जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं देते, उनके लिए हाइड्रेस्टिस मेडिसिन बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। यह शरीर को शक्ति तो बढ़ाती है, इसी के साथ आमाशय का कार्य नियमित करती है, नियमित तो करती है, लेकिन नियमित करने के साथ साथ शरीर के मध्य जितने भी अंग हैं उन अंगों से बहने वाले स्राव को दूर कर देती है और दर्द खत्म करती है। यह रक्त स्राव रोकने की भी बहुत ही श्रेष्ठ दवाई है। इस तरह इसमें इसी क्रम में अगली मेडिसिन है आयरिस वर्सिकलर। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो है यकृत यानी लीवर से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। यह पेट में एसिड की अधिकता को बहुत जल्दी कवर करती है यानी दूर करती है, और अत्यधिक चिपचिपी वोमिटिंग यानी सलेस्मा बलगम जैसा जैसी इसको वोमिटिंग होती है और लंबे लंबे सूत जैसे इसकी जैसे बलगम के लंबे लंबे सूत होते हैं, इस टाइप के सूत जैसे उल्टी इसको होती है, चिपचिपी लंबे रेशे के आकार की, मुंह से नीचे ज़मीन तक इतना लंबा रेशा इसके उसका सलेस्मा का होता है, उसमें बहुत उपयुक्त मेडिसिन है आयरिस वर्सिकलर। इसके अलावा आंतों के रोगों के कारण होने वाले आधे सिर के दर्द अर्थात माइग्रेन और अन्य प्रकार के किसी भी किस्म के सिर दर्द जो बहुत ज़्यादा सलेश्मा बनने के कारण उत्पन्न होते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है आयरिस वर्सिकलर। इसी क्रम में नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। इसके अंदर ये पल्सेटिला बड़ी आंत की पुरानी बीमारी को ठीक करने वाली मेडिसिन है, बहुत ही चमत्कारी दवाई है। पेट की बढ़ी हुई गतिशीलता और बढ़े हुए स्रावों को उत्पन्न स्रावों के साथ उत्पन्न सभी प्रकार के ऐंठन के साथ होने वाले दर्दों को शांत करती है और बड़ी आंतों की सूजन व बड़ी आंतों में होने वाले फोड़े को बहुत सरलतापूर्वक ये ठीक करती है। इसी क्रम में लास्ट मेडिसिन है इसमें इग्नेशिया हमारा। इग्नेशिया हमारा इसमें जो मेडिसिन है उसके पेशेंट को आमाशय में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और इसका गैस का गोला हमेशा गले में जैसे फंसा हुआ रहता है, गैस का वायु का गोला ऊपर को चढ़ता है और गले में जैसे फंसा हुआ है। जैसे ही ये पेशेंट खाना या पीना कुछ भी करता है उस समय इसे लगता है जैसे कि वो गोला हट गया है और उसके बाद फिर से वो गोला गले के अंदर अटका हुआ सा महसूस होता है, जिससे पेशेंट को घुटन महसूस होने लगती है। ऐसे पेशेंट डिप्रेशन के भी पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है इसमें इग्नेशिया अमारा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पेट में होने वाली किसी भी किस्म की एसिड दिक्कत, सूजन या अपेंडिस में सूजन, आपके यकृत में सूजन या आपके तिल्ली में सूजन, कहीं पर भी आपके पेट में सूजन यदि होती है तो आप एडल 16 यानी एडल कंपनी जर्मनी की कंपनी है, इसकी 16 नंबर की आप 15-15 बूंद, यदि आपको बहुत ज़्यादा एसिड बना हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप 3-3 घंटे बाद भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप रूटीन के तौर पर इसको दिन में 3 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले यदि आप लेते हैं
आपके पेट से संबंधित सभी दिक्कतों को ये दूर करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो आगे ज़रूर शेयर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पुश जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।